इस एग्जिट पोल में पीएम मोदी का सपना हुआ साकार, एनडीए हुआ 400 पार। इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 पार और एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का टारगेट रखा था। एग्जिट पोल में बीजेपी का ये सपना साकार होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का टारगेट रखा था। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में ये सपना साकार होते दिख रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 400 सीटें मिलते दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को इस एग्जिट पोल में 109 से 139 सीटें मिलने का दावा किया है। बीजेपी को किस राज्य में मिल रही है कितनी सीट, हालांकि इस एग्जिट पोल में बीजेपी का 370 पार का सपना अधूरा रह गया है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल से बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 से 68, बिहार में 17, केंद्र शासित प्रदेशों में 4, उत्तराखंड में 5, गोवा में 2, महाराष्ट्र में 18 से 22, पश्चिम बंगाल में 22 से 26, झारखंड में 10 से 12, असम में 9 से 10, हिमाचल प्रदेश में 3 से 4, हरियाणा में 6 से 8, पंजाब में 2 से 3, दिल्ली में 6 से 7, गुजरात में 26, राजस्थान में 21 से 23, ओडिशा में 15 से 17, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 और मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को तमिलनाडु में 5 से 7, केरल में 1 से 3, कर्नाटक में 18 से 22, तेलंगाना में 8 से 10, आंध्र प्रदेश में 4 से 6 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इस एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 109 में से 139 सीटें मिलने का दावा है, जिसमें से कांग्रेस को 52 से 64 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में 28 से 38 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलते दिखाई दे रही है। यूपी बिहार में क्या है इंडिया टीम के एग्जिट पोल के दावे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 से 68 सीटें मिलने का दावा इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में किया गया है। यूपी में अपना दल को 2, आरएलडी को 2 सीटें मिलने का दावा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 से 3 और समाजवादी पार्टी को 10 से 16 सीट मिलने का दावा कर रहा है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी 17 सीटों पर उसे जीत मिलने का दावा इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में किया गया है। एग्जिट पोल में जेडीयू को 11 से 13, एलजेपी को 3 से 4, हम को 1 मिलने का दावा है। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को 2 और आरजेडी को 3 से 5 सीट मिलने का दावा है।